For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शैस्ता शौकत है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। मैंने अपना MBBS किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से किया और उसके बाद कॉलेज ऑफ फिजीशियन एंड सर्जन से FCPN इन गायनी ऑब्स किया। उस वक्त से ही मैं गायनी ऑब्स के शोबे से वाबस्ता हूँ और इसको तकरीबन 20 साल का अरसा हो गया। ऐसे इशू की अवेयरनेस देना चाहती हूँ जो कि बहुत कॉमन है, जिसे हम वजाइनल डिस्चार्ज या आम जुबान में लिकोरिया कहते हैं। लिकोरिया एक ब्रॉड टर्म है। पेशेंट कैसे हमारे पास आता है कि जी मुझे पानी बहुत पड़ रहा है। इसमें भी अगर आप एक ग्रुप बनाएं, एज ग्रुप, तो आप देखें यंग गर्ल्स में, छोटी बच्चियाँ, फिर टीनेजर्स में, उसके बाद 20 से 40 साल की ख़वातीन में जो कि सेक्शुअली एक्टिव हैं और मैरिड हैं, और उसके बाद 40 से ज़्यादा पेरी मीनोपॉजल एज ग्रुप और उसके बाद पोस्ट मीनोपॉजल एज ग्रुप। छोटी बच्चियां जब क्रॉल करना शुरू करती हैं तो कई दफ़ा माएँ जो हैं वो मेरे पास लेकर आती हैं कि इसके अंडर गारमेंट पे एक डिस्चार्ज है आता है बार बार, जिससे स्मेल आती है। तो मैं उन माओं को हमेशा ये बावर कराती हूँ कि एक तो ये कि बच्चे की सफाई का ख्याल रखें, दूसरे बच्चे को गंदी जगह पे नीचे क्रॉल करने ना दें। उस वक्त ये इन्फेक्शन असेंड कर रही है जो कि इस तरह बच्चे में इचिंग और फिर लिकोरिया को बढ़ावा दे रही है। दूसरी हमारी टीनेजर गर्ल्स में भी आजकल लिकोरिया का इशू बहुत ज़्यादा है। उनको ज़रा सा भी कमर में दर्द हो या कोई भी पीरियड्स ख़राब हो रहे हों तो वो इसका ज़िम्मेदार उस लिकोरिया को ठहराती हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। और इसका एक ही हल है और वो है गुड हाइजीन। हम कई दफ़ा बच्चियां अंडरगारमेंट्स इतने फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करती हैं, या अगर आपको पीरियड्स आए हुए हैं तो आप अपना पैड इतना फ्रीक्वेंट चेंज नहीं करेंगे, चाहे आपको ज़रूरत हो या ना हो, चाहे आपका पैड सोख हो रहा हो या ना हो रहा हो, आपको हर 4 से 6 घंटे बाद अपना पैड बदलना है। अपनी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने आप को एनीमिक नहीं होने देना ताकि बॉडी में एक रेजिस्टेंस और इम्यूनिटी रहे, और अपनी डाइट को इम्प्रूव करना है। सो उस वक्त ऐसा पानी जिसमें से स्मेल ना आ रही हो वो, और आपको वो इचिंग ना कर रहा हो, उसको कुछ भी दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनड्यू एंटीबायोटिक्स लेके हम सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी में उस रेजिस्टेंस को इजाफा कर रहे हैं। उसके बाद हमारा तीसरा ग्रुप आ जाता है जो कि है 20+ ख़वातीन जो कि शादीशुदा हैं। उसमें लिकोरिया के बहुत से रीज़न्स हैं। उसमें इन्फेक्शन हो सकती है जो कि फंगल भी हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है, या कोई वायरल इन्फेक्शन जो कि वो अपने हस्बैंड से कंट्रैक्ट कर रही हैं। उसके लिए आपको अपने डॉक्टर को दिखाना और एग्ज़ामिन करवाना बहुत ज़रूरी है, और उस एग्ज़ामिनेशन के बाद ही डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट जो जिस तरह का डिस्चार्ज होगा उस लिहाज से आपको वो ट्रीटमेंट देगी। और खुदारा सेल्फ़ मेडिकेशन मत करें कि अगर आपकी सहेली ने वो दवा इस्तेमाल की है तो और उसको फ़ायदा हुआ है तो आप भी बिला सोचे समझे उस दवा का इस्तेमाल करें। काइंडली ऐसा ना करें, अपने डॉक्टर से ख़ुद कंसल्ट करें, अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे और उसकी कैपेबिलिटीज़ पे भरोसा करें और ट्रस्ट के साथ वो दवा पूरे इस्तेमाल करें। फिर ख़वातीन आ जाती हैं पेरीमीनोपॉज़ल। पेरीमीनोपॉज़ल वो है जो कि मीनोपॉज़ को अचीव करने वाली हैं। उनमें भी चूँकि इम्यूनिटी कम हुई भी होती है, वजाइना की वॉल बहुत थिन हुई भी होती है, वो भी बार बार इन्फेक्शन और लिकोरिया की कंप्लेन करती हैं। लेकिन उनको एक दफ़ा अपने डॉक्टर को दिखा के अपनी सर्विक्स का मुआयना ज़रूर कर लेना चाहिए ताकि खुदा ना खास्ता वो कोई सर्विकल कैंसर की तरफ तो नहीं जा रही। उसके बाद हमारी आ जाती हैं वो ख़वातीन जो कि मीनोपॉज़ अचीव कर चुकी हैं, जिसमें माहवारी बंद हो चुकी है। उनको भी अपने गायनेकोलॉजिस्ट से एग्ज़ामिनेशन करवाए बगैर कोई दवा अंदर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। सो बेसलाइन हम क्या देखते हैं, लिकोरिया जो है उसको बहुत ज़्यादा हम कॉन्शियस हैं उस बारे में। वजाइना कभी भी ड्राई नहीं होता। ड्राई वजाइना इट्सेल्फ एक बीमारी है। सो वजाइना हमेशा लुब्रिकेटेड होता है। हाँ, उसमें से स्मेल ना आए, उसमें आपको ख़ारिश या इचिंग ना हो और आपको डिस्कम्फर्ट फील ना हो, तो इसका मतलब है कि एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। अगर आपको लगे कि आपको किसी भी मसले के लिए या इससे रिलेटेड इशू से अपने डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है तो आप मरहम के फोरम के थ्रू किसी भी डॉक्टर को गूगल करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।